मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तूर्य होना चाहता हूँ, समय को चाहता हूँ दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर के सिंध को मथकर शरों से धरा हूँ चाहता श्री को करों से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ, हथेली पर नचाना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ धार पर मैं, हंसा हूँ चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूँ, धधक कर आज जीना चाहता हूँ, चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं, नकर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं। कौरव सेना के बड़े बड़े स्तंभ धराशायी हो गए, द्रोणाचार्य मारे गए, भीष्म पितामह ने शरशैया पर लेटे हुए इच्छा मृत्यु मांग ली। अब कौरवों के अंतिम आशा कर्णपट्टी की थी, वही कर्ण जिसे विधि ने बार बार छला था। अपनी अटूट साधना और निष्ठा से उसने परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया, लेकिन साथ ही ये श्राप भी मिल गया कि जब उसे ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वो उसे चलाने की विद्या भूल जाएगा। सूर्यदेव ने उसे कवच कुंडल दिया था जिसे इंद्र ने उसकी दानवीरता का लाभ उठाकर मांग लिया, बदले में उसे एक अग्नि अस्त्र दिया जिसका वार अचूक तो था लेकिन वो सिर्फ एक बार प्रहार कर सकता था। कर्ण ने उसे अर्जुन के लिए संभाल रखा था पर दुर्योधन की विनती मान के घटोत्कच पर खर्च कर दिया। अब कर्ण को वो महायुद्ध लड़ना था जिसके लिए उसके प्राणों ने एक एक क्षण गिनकर प्रतीक्षा की थी, लेकिन ना उसके पास कवच कुंडल था, ना ब्रह्मास्त्र, ना एक अग्नि, अगर कुछ था तो नसों में खौलता हुआ क्षत्रिय रक्त, वीरता से शोभित ललाट और भुजाओं में कड़कता हुआ अदम्य साहस। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है, संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेंकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हिमसिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में, मगर नरबुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर, उषा पूछे भला फिर आँख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे, मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वो उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विभा नरको नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह, कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो हैं अनेकों काम इसको, महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुष्य को, मनुज ही मारता फिरता मनुष्य को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वो, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चीतकार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है, नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वो, पतन के गर्त में भी जाएगा वो, पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले,
नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधेय नायक सैन्य का है। जगा लो वो निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके, गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधवा चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पुंजित करो आकार दो हे, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो हे, पवन का वेग दो दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो, मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना, भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समर के सिंध को मथकर शरों से, धरा हूं चाहता श्री को करों से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, मचलना चाहता हूं धार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं हो सघन में, असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वो आज ही होगा मही पर, नहीं जैसा हुआ पहले कहीं पर, चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं, नकर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा, अरे यूं भागती कब तक चलोगी, मुझे वो वंच के कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पाऊं मेरा, अभी भी सत्य है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी, तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामारतंड का अवतार हूं मैं, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्निया बनकर ढलो तुम, अरे ओ सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरे व्रत साधने आकार लो तुम, हमारे योग की पावन शिखाओं, समर में आज मेरे साथ आओ, उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले वह भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर, हृदय से पूजनीय मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके, सुवामा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले सका हूं, समर में तो हमारा वर्म हो वो, सहायक आज ही सत्कर्म हो वो, सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में, दोषी बड़ा हूँ विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ, स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं, मगर राधेय का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा, बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है, बचाकर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को, पुकारे शत्रु तो छुप व्यूह में प्रचंड रहना, सभी के सामने ललकार को मनमार सहना, प्रकट होना विपद के बीच में प्रतिवीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब, कहां का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है ये, नहीं ये वीरता कौटिल्य का अपघात है ये, समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन
नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह वो धर्म था क्या? समर्थन योग्य केशव के लिए वो कर्म था क्या? यही धर्मिष्ठता, नए नीति का पालन यही है। मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा? जहां गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब कुछ क्षमा है। मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है? चले वह बुद्ध की ही चाल, मैं बल से चलूंगा। न तो उनको न होकर जिन्ह अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्तों की मही को? भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को? बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर? मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर? नहीं राधे ये सतपथ छोड़कर अध ओक लेगा। विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो गुरु, किंतु मैं बलिदान का हूं। असी से देह को वह, मैं निरंतर प्राण का हूं। जगो बलिदान की पावन शिखाओं, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण की तार से झनकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, मही मंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विद्यापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जई कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच ये सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा भावस्थ होता जा रहा हूं, जगा हूं या के सोता जा रहा हूं। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कभी बरसेगा। आज यहाँ तारीफ है वाहवाही, जाएंगी वक्त महल की कंदीलें गायब सारे।